मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना क्षेत्र के लसगढ़ीपुर के रहने वाले नर्सिंग होम संचालक पिंटू कुमार गुप्ता की हत्या कर शव को चौड़ में फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक के परिजन और पुलिस भी मौके पर पहुंचे। शव को बाहर निकाला गया। मृतक के भाई विकास कुमार ने बताया कि गर्दन ऐठा हुआ था, गले और छाती पर जख्म के निशान थे, बाइक उल्टी गिरी हुई थी, पैर में रबर बांधा हुआ था। लाश को देखकर प्रतीत हो रहा है कि उनकी हत्या कर फेंक दिया गया है। घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। काटी थानेदार संजय कुमार लोगों को समझाकर शांत करने में जुटे हैं। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भाई विकास ने बताया कि काटी में ही नर्सिंग होम चलाते हैं। कुछ दिन पहले गांव में आपसी विवाद को लेकर लड़ाई भी हुई थी। उन्होंने विकास से कहा था कि कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, तुम ठीक से रहना। सोमवार रात को वे नर्सिंग होम से अपने किसी दोस्त को घर छोड़ने गए थे। स्टाफ अभिषेक को कॉल कर बोले कि आधे घंटे में नर्सिंग होम आ रहे हैं, लेकिन रात तक नहीं पहुंचे। उनका मोबाइल भी बंद था। परिजन ने चिंतित होकर खोजबीन शुरू की। इसकी जानकारी काटी पुलिस को दी गई। विकास ने कहा कि अगले सुबह तक पुलिस के साथ खोजते रहे, पर कहीं भी उनका सुराग नहीं मिला। आज जहां लाश मिला है वहां भी रात को गए थे, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। आज सुबह जब थककर लौट रहे थे तभी एक परिचित ने कॉल कर लाश मिलने की जानकारी दी। पुलिस घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए मृतक के मोबाइल का कॉल डिटेल्स जांच रही है। इससे पता लगेगा कि आखिरी बार किससे बात हुई थी। साथ ही इस व्यक्ति का भी पता किया जा रहा है जिसे छोड़ने में रात को गए थे। परिजन का बयान दर्ज करने की कवायद में पुलिस जुटी हुई है। चारों तरफ कांटी से लगे पूरा हम बैरिया छाता चुकी सब जगह खोजे, लेकिन वहाँ नहीं मिले। उसके बाद जो कॉल करते करते तब भैया के साला जब कॉल किए तो अचानक उठाया एक आदमी, उसको गाड़ी देख के किसी से विवाद भी था क्या? बगल में झगड़ा भेल था। उसके बाद जो है भैया एक दिन हमको बताए थे शादी के दिन की ऐसे ऐसी बात की थी। हम लोग जो है सतर्क रहना कि लोग सब जो है अपने बारे में कुछ गलत धमकी के लिए बात करते कि मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। हम बोले भैया को कि ठीक है कि आप जो है सही से रहिएगा, हम भी सही से रहेंगे, समझे। इसके बाद जो मेरा भाई आज नहीं रहा, आप रात भर खोजे। क्या नाम हो गया मृतक का? मृतक का पिंटू कुमार नाम हो। कहाँ के रहने वाले हैं? लसगरीपुर के रहने वाले हैं। थाना क्षेत्र कौन है? कांटी थाना है। आप मृतक के कौन है? भाई है, छोटे भाई। उम्र क्या रहा होगा? उनका 30-32 साल उम्र होगा। क्या मामला सर? देखने से लगता है कि कोई मारो और के फेंक दिया लोग, ऐसा प्रतीत होता है। वहाँ पर मोटरसाइकिल भी लगा हुआ था बगल में, नीचे में बॉडी था, ऊपर से मतलब मोटरसाइकिल था, बगल में जूता था फेंका हुआ था, गमछा फेंका हुआ था, एक प्लास्टिक का रबड़ भी वहाँ पर उपलब्ध था। सबको उठाए हैं और पोस्टमार्टम में यहाँ लाए हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। मृतक का नाम है पिंटू कुमार, पिंटू कुमार सर, लसगरी के, लसगरीपुर, लसगरीपुर काटी थाना क्षेत्र। कुछ पता चल पाया है कि इसमें कौन सा है? अभी तो लगे हुए, बड़ा वो भी गए हुए हैं क्षेत्र, वहाँ पर घटना स्थल पर लोग पहुँचे हुए हैं। अब फोरेंसिक टीम को मंगाया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। जी सर, अपना परिचय? एसआई शंकर सिंह यादव, काटी थाना में पदस्थापित है। मामला यही हुआ कि जो भाई जी जो थे हॉस्पिटल पर थे, हॉस्पिटल से जो है वो बजला के तरफ गए नंबर लगाने IGMS के लिए। मेरी छोटी वाली सिस्टर का सास का तबीयत खराब था और वहाँ से नंबर लगा के जो है एक आदमी जो उनके साथ जो सफराज भाई थे उनको घर छोड़ दिए। घर छोड़ने के बाद जो है बोले कि ठीक है, नंबर तो लग गया कि आप दो पुड़िया भी उनसे ले लिए। उसके बाद बोले कि 4:30 में तैयार रहिएगा कि बोलो वहाँ हम आएंगे एम्बुलेंस लेकर और चलिएगा साथ में, तो बोले कि ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद 8:25 में मेरा भाई जो अभिषेक जो हॉस्पिटल का मैनेजर है उसको कॉल गया कि हम घर चले जाए कि हॉस्पिटल पर आए, तो भी बोला कि नहीं घर चले जाइए। तो काम पेशेंट का हुआ कि नहीं? एक पेशेंट था, तो बोले कि काम हो रहा है। उसके बाद जो बोले कि ठीक है हम 10 मिनट में पहुँच रहे हॉस्पिटल पर। उसके बाद जो है 10 मिनट बाद या आधा घंटे बाद फ़ोन किया तो बिजी बताने लगा। बिजी बताने के बाद कॉल लगा नहीं, तो ये लोग हम लोग इंतज़ार किए कि आधा एक घंटा इंतज़ार किए कहीं अब आएगा अब आएगा। उसके बाद चारों तरफ कॉल दोहरा कि कहीं शादी में एक जगह जो होता है छेका फनदान जो होता वो हो रहा था, तो हमको लगा कि वहाँ भी गया होगा, लेकिन वहाँ भी नहीं गया। चारों तरफ पता कि उसके बाद जो है हम गए हॉस्पिटल पर अपने भाई को लेके, उसका चारों तरफ घूमे। उसके बाद कांटी थाना को इन्फॉर्मेशन किए, मेरे भैया जो है बड़े महेश भैया वो इन्फॉर्मेशन किए। उसके बाद कांटी थाना के साथ में हम लोग 4:30 तक भोर में तक घूमे, जहाँ से लाश बरामद हुआ वहाँ कुछ भी नहीं था, हम देख के आए। उसके बाद जो है जब 5:30 के करीब में हम वहाँ से फिर हम रिटर्न हम और जा रहे थे, वो जो आदमी जो जिसको छोड़े थे सफराज भाई को, उस जिस समय से वो हमको नहीं मिले उस समय से हम कंटिन्यू उनको साथ में थे और कंटिन्यू खोज रहे थे। उसके बाद
बोले कि ठीक है चलिए कि देखते हैं काटी में, उसके बाद नहीं होगा तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग सोचेंगे। उसके बाद जाते समय मेरे जो छोटे भैया के जो छोटे साला जो गुजरात में काम करते उनको कॉल गया, वो कॉल करते थे भैया के मोबाइल पर। उसके बाद अचानक एक आदमी कॉल उठाया, वो बताया कि यहाँ इस जगह पर जो है एक्सीडेंट हो गया, मणिपुर जो है भेल यहीं वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। तो बताया तो उस हिसाब से हम लोग गए तो देखे तो उधर रबट जो होता है रस पैर में बांधा हुआ है, इनका नाल के छाप गर्दन पर गर्दन घुमा दिया गया हुआ है, सीना पे नाल का छाप है। उसके बाद जो गाड़ी ऊपर से फ्लर दिया था और गाड़ी उल्टा है, जो कि एक्सीडेंट होता था कभी सीधा गाड़ी गिरता है। कहाँ पे मैंने ये इनको ये एक्सीडेंट हुआ है, ये मणिपुर जो नौरथन जो है ना ये काटी क्षेत्र में पड़ता है। हाँ ये जो है मर्डर हुआ है, हत्या किया है। कैसे मिला वहाँ लोग जो हम कंटिन्यू समथिंग 8:30 के बाद जो हम कंटिन्यू कॉल किए जी क्या कुछ घटना हुई है जी। यहाँ लश्करीपुर निवासी पिंटू कुमार पिता रामाकांत शाह की निशंस हत्या देखने से जो पता चलता है कि उसकी हत्या की और उसी में हम लोग लाश मानिकपुर नरोत्तम से आगे भेरियाही मोर्ग भेरियाही के पास में उसकी हत्या हो गई है, वहाँ से उसके लाश को लाया गया है। यहाँ के उनके पारिवारिक लोग में इतना आक्रोश था, जो लोगों ने रोड पर लाश को रख कर रोड को जाम किया था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांठी के थाना प्रभारी के द्वारा समझा बुझा कर इस जाम को ख़त्म कराया गया है और यह आश्वासन दिया गया है जो भी इस केस के मुजरिम हैं उनको हर हाल में गिरफ्तार किया जाएगा और मृतक को न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा। अभी तक अच्छा देखा जा रहा है कि लगातार कांटी क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहें? देखिए लगातार आपराधिक घटना कांटी में बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन यहाँ घटना हो रही है। मैं जो प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसको गंभीरतापूर्वक संज्ञान में ले, क्योंकि यह बहुत दुखद घटना है और लगातार हत्या हो रही है और आज जो भी ये गलत काम करने वाले हत्या करने वाले लोग हैं उन्हों का मनोबल बढ़ा हुआ है, प्रशासन तुरंत उस पर अंकुश लगाए और ऐसे लोगों को सलाखों के भीतर करने का काम करें।